नमस्कार, मैं पूजा वशिष्ठ आप सभी का बोल्ड स्काई में स्वागत करती हूँ। कंगना रनौत एक बार फिर अपना दमदार रूप लेकर दर्शकों के सामने हाजिर हो चुकी हैं। बॉलीवुड क्वीन की अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी का फर्स्ट लुक आउट हो चुका है। मणिकर्णिका और थलाइवा के बाद कंगना इस बार स्क्रीन पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रोल अदा करने जा रही है। फर्स्ट लुक के साथ ही फिल्म का टीजर भी शेयर कर दिया गया है, जिसमें उन्हें पहचानना मुश्किल हो रहा है। तो आइए जानते हैं कि कौन है वो मेकअप आर्टिस्ट जिसने कंगना को एक्ट्रेस से पूर्व प्रधानमंत्री जैसा बना डाला। इमरजेंसी में कंगना रनौत का फर्स्ट लुक देखने के बाद कहना गलत नहीं होगा कि एक्ट्रेस अपने किरदार के साथ किसी तरह की गलती नहीं करना चाहती है। टीजर में वो हूबहू इंदिरा गांधी जैसी नजर आ रही है, जिसके लिए उनका प्रोस्थेटिक मेकअप किया गया है। फिल्म में कंगना क्या कमाल करेंगी वो अभी कहा नहीं जा सकता, पर हाँ, देश के पूर्व प्रधानमंत्री के रोल में उन्हें देखकर हर कोई उनके मेकअप आर्टिस्ट को जरूर खोज रहा है। कंगना के इस लुक का श्रेय जाने माने प्रोस्थेटिक मेकअप आर्टिस्ट डेविड को जाता है। डेविड को उनके बेहतरीन काम के लिए कई इंटरनेशनल अवार्ड्स दिए जा चुके हैं। यही नहीं, 2017 में फिल्म डार्केस्ट आर के लिए बेस्ट मेकअप और हेयर स्टाइलिंग कैटेगरी में उन्हें ऑस्कर से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा डेविड वर्ल्ड वॉर जेड और द बैटमैन में अपने काम के लिए काफी सराहना पा चुके हैं। डेविड का सोशल मीडिया अकाउंट देखकर पता चलता है कि वो अपने काम को लेकर कितने पैशनेट हैं। शायद यही वजह से कंगना उनके अलावा किसी और पर विश्वास नहीं कर पाई। कुछ वक्त पहले ही कंगना ने डेविड के साथ इंस्टा स्टोरी पर कुछ फोटोज भी शेयर की थी, जिसमें वो बॉलीवुड की क्वीन का मेकअप करते नजर आ रहे थे। पूर्व प्रधानमंत्री के किरदार को पर्दे पर उतारना खुद में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसलिए कंगना के लुक पर काफी बारीकी से काम किया गया है। इमरजेंसी में कहीं भी कंगना नजर आ रही है तो ऐसा लग रहा है कि उनकी बॉडी में इंदिरा गांधी बात कर रही है, इसलिए हर कोई उनके लुक की तारीफ करते नहीं थक रहा है। आपको कैसा लगा कंगना का लुक, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करें।